बहराइच में 23 जून दिन रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर मिहींपुरवा तहसील के ग्राम पंचायत मधवापुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति के अनावरण एवं स्मृति वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहराइच के भाजपा जिलाध्यक्ष, आए हुए अतिथियों का स्वागत लोकसभा बहराइच के नव निर्वाचित सांसद आनंद गोंड ने किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व सांसद अक्षयबर लाल गोंड ने किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही नव निर्वाचित सांसद आनंद कुमार गोंड द्वारा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह व क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष व क्षेत्रीय अध्यक्ष ने स्मृति वाटिका के शिलापट व स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति का अनावरण कर परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए काम करती रही है। उनको एलर्जी जो मना करते हैं किसी इंजेक्शन से एलर्जी है, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे लगाने के, ये कांग्रेस की सरकार के लोग उसी इंजेक्शन से वही इंजेक्शन उनको लगवा देते हैं। और बाबा बर्फानी या देश का बहुसंख्यक समाज बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाए, माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर पाए, इसलिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हम अपने देश के, हम अपने भारतीय के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का योगदान जा रहा है। हमने अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस देश की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए बलिदान किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।